निर्देशक विवेक अग्निहोत्री इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी द वैक्सीन वॉर की तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं, जो कि कल यानी कि 28 सितंबर को थिएटर्स में दस्तक देने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। हालांकि इससे पहले तक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर साउथ सुपरस्टार प्रभास की मच अवेटेड फिल्म सालार से टकराने वाली थी, लेकिन सालार अब दिसंबर में रिलीज होने वाली है। यानी अब प्रभास की फिल्म की टक्कर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म से नहीं, बल्कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म डंकी से होने वाली है। और इसी बीच विवेक अग्निहोत्री का प्रभास के फैंस से जुड़ा एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा लाइमलाइट में लगातार बना हुआ है, जिसमें उनका कहना है कि जब उन्होंने द वैक्सीन वॉर का ऐलान किया, प्रभास के फैंस उन्हें लगातार ट्रोल कर रहे थे। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि द वैक्सीन वॉर एक छोटी फिल्म है जिसमें कोई स्टार नहीं है, जो कि 12.5 करोड़ रुपए के बजट में बनी है। और इसी दिन एक और फिल्म सालार आ रही थी, जो एक बड़े बजट यानी कि 300 करोड़ वाली फिल्म थी, और उनके फैंस मुझे लगातार ट्रोल कर रहे थे और मुझे गालियां भी दे रहे थे और बोल रहे थे इसको भगाओ, नहीं आना चाहिए, भाग कोई और आ गया। उसका इशारा सालार की पोस्टपोन हुई रिलीज डेट की ओर था। द वैक्सीन वॉर भारत की पहली बायो साइंस फिल्म मानी जा रही है और इस फिल्म में नाना पाटेकर वैज्ञानिकों को लीड करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो COVID-19 के खिलाफ भारत की पहली वैक्सीन बनाने का काम कर रहे थे। फिल्म में अनुपम खेर, राइमा सेन, सप्तमी गौड़ा और पल्लवी जोशी भी लीड रोल में आपको देखने को मिलने वाले हैं। पहले ये फिल्म प्रभास स्टारर फिल्म सालार के साथ साथ क्लैश होने वाली थी, लेकिन नई रिपोर्ट के मुताबिक सालार की रिलीज डेट अब दिसंबर में आगे बढ़ा दी गई है। ये फिल्म अब शाहरुख खान स्टारर डंकी के साथ क्लैश होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जिसका निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया है। वेल, इस क्लैश के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं और आपको क्या लगता है इस क्लैश के बीच आखिर कौन सी फिल्म बाजी मारने वाली है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NBT एंटरटेनमेंट। टिल देन, दिस इज मी प्रेरणा कौशिक साइनिंग ऑफ।